मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुंबई में पाकिस्तान से जुड़े 3 आतंकवादियों की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के मुताबिक आरोपी ने अपने विरोधी को फंसाने के लिए ये फर्जी कॉल किया था। आरोपी का नाम यासीन याकूब सैयद बताया जा रहा है और आरोपी महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 अप्रैल को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी गई थी कि 3 आतंकी मुंबई में घुस गए हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान से है, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी तैनात हो गए थे और शहर को अलर्ट जोन पर कर दिया गया था। आपको बता दें, आरोपी ने जमीन विवाद के चलते अपने विरोधियों को फंसाने के लिए ये फर्जी कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह भी मिली है कि आरोपी ने जिस मुस्तफा को आतंकी बताया था वो उसका चचेरा भाई है और दोनों के बीच अहमदनगर के भवानी नगर में एक जमीन को लेकर काफी समय तक विवाद चल रहा था।